ओम शांति। आज की बाबा की साकार मुरली है 25 अप्रैल 2022 की। आज बाबा ने कर्मातीत बन वापस घर चलने की विधि बताई कि बच्चे पवित्र बनो, ज्ञान की पूरी धारणा कर अपनी कर्मातीत अवस्था बनाओ, तब बाबा के साथ चल सकेंगे। और श्रीमत दिया कि देह और देह के जो संबंधी हैं दुख देने वाले, उन सब को भूल एक बाप को याद करना है। फिर कहा कि कयामत के समय कई आत्माएं शरीर छोड़ भटकती हैं, तो आज बाबा ने पुराने हिसाब किताब और पापों को भस्म करने के 3 रास्ते बताए। एक तो बाबा की याद से विकर्मों को समाप्त करना है, अगर नहीं हुए तो परम धाम जाने के पहले बीच में धर्मराजपुरी में जाकर सजा भोगनी पड़ेगी, या फिर इसी दुनिया में बिना शरीर आत्मा भटकती रहेगी। तो बाबा कहे जब तक शरीर ना मिले तब तक भटकती हुई सजा भोगेंगी। इसलिए जब कोई बूढ़ा होता है तो कहते हैं कि परमात्मा को याद करो, परमात्मा में अपने मन को एकाग्र करो। तो बाबा ने कहा कि कई बच्चे हैं जो 1 मिनट भी बाप को याद नहीं करते, तुम बच्चों को तो घड़ी घड़ी बाबा को याद करना है। फिर कहा जितना बाप को याद करेंगे उतने विकर्म विनाश होंगे और पद भी ऊंचा मिलेगा। दूसरों को भी आप समान बनाना है, रहमदिल बनना है और अंधों की लाठी भी बनना है। फिर कहा तुम बच्चे जितना जितना पुरुषार्थ करेंगे उतनी तुम्हारे से खामियां निकलती जाएंगी, करोड़ों में से 8 मुख्य निकलते हैं, फिर 108 की माला बनती है। फिर कहा मम्मा बाबा कहते हो तो तख्त नशीन बनो, हार्ट फेल नहीं होना है, अर्थात पुरुषार्थ में पढ़ाई में कोई भी विघ्न या परिस्थिति आती है तो घबराना नहीं है। सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, पुरानी देह और देह के संबंधी जो एक दो को दुख देने वाले हैं, उन सबको भूल एक बाप को याद करो, श्रीमत पर चलो। आज मुरली में प्रश्न है, बाप के साथ साथ वापस चलने के लिए बाप की किस श्रीमत का पालन करना पड़े? तो बाबा ने उत्तर में कहा, बाप की श्रीमत है बच्चे पवित्र बनो, ज्ञान की पूरी धारणा कर अपनी कर्मातीत अवस्था बनाओ, तब साथ साथ वापस चल सकेंगे। कर्मातीत नहीं बने तो बीच में रुक कर सजाए खानी पड़ेंगी। कयामत के समय कई आत्माएं शरीर छोड़ भटकती हैं, साथ में जाने के बजाय यहाँ ही पहले सजा भोग हिसाब किताब चुक्त करती हैं। इसलिए बाप की श्रीमत है बच्चे सिर पर जो पापों का बोझा है, पुराने हिसाब किताब है सब योग बल से भस्म करो। आज मुरली में गीत बजा, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले चलो। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला जीवन मुक्त पद पाने का पुरुषार्थ करना है। जैसे माँ बाप महाराजा महारानी बनते हैं, ऐसे फॉलो कर तख्त नशीन बनना है, सेंसिबल बन पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है। दूसरा बाप से सच्ची प्रीत रखनी है, रहम दिल बन अंधों को रास्ता दिखाना है, बाप से सन्मुख श्रीमत ले पाप आत्मा बनने से बचना और बचाना है। आज बाबा ने वरदान दिया, माया व प्रकृति के भिन्न भिन्न कार्टून शो को साक्षी बन देखने वाले संतोषी आत्मा भव। स्पष्टीकरण है, संगम युग पर बाप दादा की विशेष देन संतुष्टता है। संतोषी आत्मा के आगे कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति ऐसे अनुभव होंगी जैसे पपेट शो अर्थात कठपुतली का खेल। आजकल कार्टून शो का भी फैशन है, तो अभी कोई भी परिस्थिति आ जाए उसे ऐसे ही समझो कि बेहद के स्क्रीन पर कार्टून शो व पपेट शो चल रहा है। माया व प्रकृति का यह एक शो है जिसको साक्षी स्थिति में स्थित हो, अपनी शान में रहते हुए संतुष्टता के स्वरूप में देखते रहो, तब कहेंगे संतोषी आत्मा। बाबा संतुष्ट रहने की विधि बता रहे हैं कि कोई भी स्थिति परिस्थिति में स्वयं को साक्षी स्थिति में स्थित कर दो और फिर यह प्रकृति का खेल देखो तो वह एक कार्टून शो व पपेट शो की जैसे लगेगा, और साक्षी बनने से प्राप्ति होती है कि उस खेल का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होता है। आज का स्लोगन है, किसी भी प्रकार के डिफेक्ट से परे रहना ही परफेक्ट बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति
मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।